हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आजकल जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम गूगल में सर्च करते हैं। चाहे आपको कोई आर्टिकल लिखना हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर बच्चों का होमवर्क ही क्यों ना हो। अभी तक हम इन सब के लिए गूगल पर निर्भर थे, लेकिन अब हमें गूगल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब हमें गूगल से भी अच्छा ऑप्शन मिल गया है और यह है चैट GPT, जो कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और इसे OpenAI नामक फर्म ने डेवलप किया है। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर ChatGPT सर्च करके उनकी वेबसाइट पर जाकर OpenAI.com और इस पर जाकर आपको अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा और साइन अप करके जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा और इसमें आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ही जवाब देगा। हम योगा से रिलेटेड सवाल इससे शुरू करते हैं, बेनिफिट ऑफ योगा, देखते हैं क्या जवाब देता है। पॉइंट वाइज आपको आंसर दे रहा है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस रिलीफ, इंप्रूव पोस्चर, बेटर स्लीप, बूस्ट इम्यून सिस्टम, इंप्रूव हार्ट हेल्थ, इंक्रीज माइंडफुलनेस। देखो, मेरे ख्याल से 10 सेकंड के अंदर इसने ये जवाब दे दिया आपको। अब मैं इसको एक सवाल पूछता हूँ, राइट आर्टिकल ऑन करप्शन। अब ये अपना जवाब देना शुरू कर दिया इसने। करप्शन इज अ प्रसिस्टेंस एंड ये सब अपना जवाब दे रहा है। अब ये देखिए, इसने 30 से 40 सेकंड में हमें इतना बड़ा आर्टिकल लिख के दे दिया है। ये मोर देन 500 वर्ड्स होंगे, इतना बड़ा आर्टिकल लिख के दे दिया उसने। अभी मैं उससे एक और सवाल पूछता हूँ, एक मैं इससे फॉर्मूला सॉल्व करवाता हूँ मैथ्स का। एक फॉर्मूला है सिंपल, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखते हैं इसके ऊपर क्या जवाब देता है। एक्सपेंडिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, इसका भी इसका जवाब दे दिया। देखिए इसने, देखिए मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इसने ये जवाब दे दिया है पूरा एक्सप्लेन करके। तो इस तरह से ये बहुत बहुत ही कम टाइम में आपको जवाब दे सकता है। और मैं एक हिस्ट्री से रिलेटेड इससे क्वेश्चन करता हूँ, एक्सप्लेन अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1957। देखिए उसके बारे में क्या बोलता है, लिख रहा है आई एम अज्यूमिंग यू आर रेफरिंग टू द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। अच्छा, ओह हाँ, मैंने गलत लिख दिया, 1957 मैंने गलत लिखा, लेकिन देखो इसने अपने आप मुझे करेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत भी पूछा है तो वो आपको करेक्ट कर सकता है ये। उस टाइम के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उस सब के बारे में उसने एक्सप्लेन किया है। एक मिनट से कम टाइम में ये आपको आपके सवालों का जवाब दे रहा है। अभी मैं इससे एक और सवाल पूछता हूँ, अभी जो कोविड हुआ था उसके बारे में इससे पूछता हूँ मैं। Which country originated corona virus? इसके बारे में लिखेगा ये। The origin of the coronavirus disease is believed to be linked to a wet market in Wuhan, China. The virus was first identified
in December 2019 and quickly spread throughout the city surroundings area. The virus eventually identified novel coronavirus, which is type of virus that can cause respiratory illness in human. It is believed that virus was originally transmitted from animal to human. सब लिखा हुआ है. The rapid spread of the virus, global pandemic. सब लिखा है. Efforts are ongoing to identify the source of virus and prevent future outbreak. This include measures such as improved surveillance. तो ये उसके बारे में उसने लिख दिया है, लेकिन उसने पूरी तरह से चाइना को उसने उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना है, लेकिन उसने ये बताया है कि वहाँ पे ऐसे माना गया है कि वहाँ पे ये वायरस मिला है. तो ये बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहा है. कुछ कुछ जैसे सवाल वैसे सवाल होते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल होते हैं, तो उनका बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दे रहा है. अभी मैं इससे कोई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पूछता हूँ. Tell us about Turkey earthquake. मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन ये ठीक करेगा अपने आप ही. Turkey has experienced severe earthquake in recent years, with most recent major earthquake on October 30, 2020. The earthquake which had a magnitude of 7 degrees. इसका मतलब ये है कि ये 2020 से पहले के इवेंट के बारे में इसके पास जानकारी है, उसके बाद की जानकारी इसके पास नहीं है. तो 2020 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बारे में इसने एक्सप्लेन किया है. जो अभी रिसेंटली 2023 में हुआ है उसके बारे में इसके पास कोई जानकारी नहीं है. इसके बारे में इसके एक और सवाल पूछता हूँ. रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में क्या कहता है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन 2014. रशिया एनेक्स क्रीमिया पेनिनसुला दैट वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ यूक्रेन. तो अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी इसके पास कोई जानकारी नहीं है. 2021 के बाद की कोई जानकारी नहीं, उससे पहले की जानकारी है. आज के वीडियो में इतना ही. जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तब तक के लिए नमस्कार.